जैसे रूम टेम्परेचर सेट पे करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे आप हमेशा करते हो तो एक 30 टेम्परेचर यहाँ सेट कर लिया और हमेशा टेस्ट करा, इसे लगाने की जरूरत नहीं। ओके। और अगर यहाँ पे अभी है मोड से हम हमेशा मोड से प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये स्टैंड बाई के लिए, अगर हमने कोई काम नहीं करना तो स्टैंड बाई जीरो जीरो रहेगा, ठीक है। ये मिली वोल्ट जो हमारे स्टैंडर्ड या सैंपल या किसी भी चीज़ के अंदर जो करंट चल रहा है मिली वोल्ट, वो सेंस करके बताता है इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, तो बताएगा कैसे? सिर्फ वो उसको बताएगा, मैम यहाँ पर रीडिंग रीडिंग इस पर सेट कर रीडिंग आएगी, वो जिसे मिली वोल्ट चेक करना है वो समझ जाएगा। और पीएच में भी सेम, इस पर पीएच पे कर देंगे तो डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। ये पीएच पे कर रहे हैं, हाँ बस वो ये इलेक्ट्रोड उसमें डिप कर रही है, एटीसी पे पीएच पे लगा देंगे तो पीएच यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। तो और इस पे ऑटोमेटिक पीएच सेंस करेगा, इस पे मैनुअली, इस पे ऑटोमेटिक, इस पे ऑटोमेटिक। आपके काम की सिर्फ दो चीज़ें, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ टेम्परेचर की आएगी, ये तरीके से इसके जरिए आएगी, है ना सर? हाँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर की रीडिंग आएगी और यहाँ पे जो आएगी वो इसे हटाने के बाद आएगी। अच्छा। इसे हटा दीजिए, इसके बाद पीछे से लेकिन आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ जो रीडिंग आएगी वो टेम्परेचर की आएगी या फिर पहले टेम्परेचर की आएगी, टेम्परेचर की आएगी, कभी भी आएगी टेम्परेचर की, कभी वो हमें सेट करके बस रख देगा, वो ऑटोमेटिक सेट करके बता देगा आपको पीएच की टेम्परेचर इतना है और इसकी रीडिंग इतनी है, सही बताएगा हमारे पास, वो सही बताएगा। हम बस पीएच का निकालना है, आपने यहाँ पर पीएच की रीडिंग आएगी जितनी भी आएगी 9, मैं बता देता हूँ। ओके, ऑटोमेटिक ही दिखाएगा, हाँ एटीसी पे ही शो करेगा आपको, आपको बार बार पीछे से चेंज करने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर। और अगर रूम टेम्परेचर पर आपका रूम टेम्परेचर क्या एक ही टेम्परेचर पे आपके सारे होते हैं तो एक ही टेम्परेचर आप पीछे सेट कर दीजिए और सभी में डिप कर दीजिए, इसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, रूम को लगाने की जरूरत नहीं। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिफरेंट है सर, एक बार भी करवा देना आप मुझे। बफर टैबलेट डाल दी, ठीक कर लीजिए। अगर एटीसी पे हम लेके जाएंगे ना, हाँ अभी हमने प्रोब लगा रखी है पीछे, अच्छा, और ये शो कर रहा है, अगर हम इसे हटा देंगे ना इलेक्ट्रोड को एरर दिखाई लगेगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर के लिए ही है, पीएच पे लेके शो करेगा, अगर हम पीएच उसे लगाया नहीं हमने, पीएच पे शो करेगा। टेम्परेचर कब शो करेगा इस पर? नहीं सिखाएगा, टेम्परेचर तो नहीं करेगा, वो पीछे ऑटोमेटिक कर रखा है, पीएच को ऑटोमेटिक ही सेंस करेगा। नहीं तो कैलिब्रेट नहीं करेंगे अभी हम, ये कितना पीएच हम कैलिब्रेट करेंगे ना, वो तो मैंने अभी कितने का था, ये कितने का, ये जो फीचर नहीं नहीं ये तो खाली पानी आता है। ओके, अगर तो ये हाँ बोतल के अंदर रहेगा, अगर आपको पता है तो बता दो, बता दो तो मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, आप बता दो। बैक साइड में ये पीएच इलेक्ट्रोड के लिए है, ये टेम्परेचर टेम्परेचर प्रोब के लिए है, ये ऑटोमेटिक वो मैनुअली टेम्परेचर है। अच्छा, अगर इसे आप आपका टेम्परेचर जो भी है आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 0 से 100 के लिए, ठीक है। एंड ऑन ऑफ स्विच चाहिए, ये फ्यूज है एंड केबल देखिए, फ्रंट में ये 7 PH से कैलिब्रेटिंग कैलिब्रेशन के लिए, 4 से कैलिब्रेशन के लिए, मोड से आप किसी भी फंक्शन पे जा सकते हो, जिस फंक्शन पे जाओगे उसकी लाइट जलेगी। एट ए टाइम दोनों पीएच से हमें मतलब 7 से भी और 4 से, हाँ हमेशा कैलिब्रेट दोनों से करना पड़ेगा आपको, 4 से और 7 से, पहले 7 से करना होता है फिर 4 से करना होता है, इसमें पहले बटन दी हुई है 7 और दूसरी बटन दी है 4 के लिए लिखा हुआ है, पहले 7 से ही करना होता है हमेशा,
उसके बाद फोर से, कहीं ऐसा नहीं करना कि फोर से पहले कर दोगे आप, उसके बाद सेवन से बाद में करोगे। फोर तो एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया ना फोर, मीडियम हो गया ना मैम, जीरो से फोर्टीन तक है, तो फोर तो एसिडिक, जीरो से चौदह के बीच में रेंज है इसकी, तो मीडियम रेंज लेंगे हम सबसे पहले सेवन, सेवन तो मीडियम, सेवन से फिर फोर, फोर तो एसिडिक हो गया ना। पहले हम तीन इस्तेमाल करते थे, पहले हम तीन वो कैलिब्रेशन के हिसाब से, अगर मेरा मशीन आपके तीन थ्री पॉइंट कैलिब्रेशन है, तीसरे से नहीं, इसमें वैसे भी पोटेशियम क्लोराइड, इसमें अंदर पोटेशियम क्लोराइड रहता है ना इस ट्यूब में, हाँ इलेक्ट्रोड के अंदर, जी जी 7.5% जी जी। और इसे चार्ज रखने के लिए 24-48 घंटे के लिए जो करना होता है वो इसके अंदर 2% पोटेशियम क्लोराइड डाल के और 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर 2% पोटेशियम क्लोराइड डाल के और 48 घंटे के लिए इसे डिप करके छोड़ देना, ये चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाता है, रीडिंग इनकी स्टेबल नहीं रहती फिर, ठीक है 6 महीने के करीब बाद आप इसे चार्ज कर लीजिए हमें, 6 महीने के बाद मैम डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, 6 महीने बाद आप 2% का इसमें पोटेशियम क्लोराइड 100 ml के अंदर बना के नीचे बना के और 48 घंटे के लिए डिप करके छोड़ देंगे, सालों साल खराब नहीं होता, जी 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 हाँ, तो केजी डाल के 2% इसमें, आप जरूरी नहीं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद भी कर दीजिए, 4 महीने बाद भी, सेवन वाला लिया है ना, सेवन वाला पर 7.5% सॉल्यूशन है, दोनों को एक साथ इंसर्ट करेंगे, एक दोनों को एक साथ ही करना है, इसमें आ जाएगा दोनों, अगर ATC पे ले रहे हो ये तो ज़रूरत नहीं है, आप एक ही रख लीजिए, अगर ATC नहीं है आपका ऑटोमेटिक टेम्परेचर नहीं तो एक ही रख सकते, लेकिन आपके ये टेम्परेचर दोनों में फ़र्क है ना, अलग अलग टेम्परेचर है तो तीनों मुझे लेना पड़ेगा, ठंडा था ना ये पानी, पहले सबसे पहले सेवन में टिप करना है, चेक करेंगे यहाँ से हम तो दोबारा में वो सेवन नहीं आएगा, वैसे भी pH आपका RO का सेवन ही होगा तो सही है, अभी RO का वाटर सही है, अगर इससे ऊपर नीचे होता तो दोबारा आप चेक करोगे तो फिर उसमें कुछ गरीब दिखा देता, कम दिखाता है या ज़्यादा कैलिब्रेशन होता ही जी, सेकंड वेट कर लीजिए, हो सकता है बोर आई जाए, नहीं आए तो बोर आपने टेस्ट करनी है, कितने साल चल जाते हैं ग्राउंड वाटर मैंने टेस्ट करना है, वो तो है सभी, वो तो सब करने ही है लेकिन स्टेबल होने में टाइम लगता है, पानी मिल गई टाइम रेट हो आप पाँच सात, अच्छा ये दोनों के लिए
वेट करिए 30 सेकंड तक, अगर स्टेबल रेटिंग चेंज नहीं होती तो स्टेबल।